हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के ऊपर। स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस, अधरंग जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं। तो स्ट्रोक एज वी नो इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। तो इसके बारे में आम लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रोक मेनली दो प्रकार से हो सकता है। एक तो इश्कीमिक स्ट्रोक, मतलब कि खून की नस में किसी तरह का क्लॉट हो जाना, जैसे हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, कि ब्रेन के किसी एक रीजन को ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से ना पहुंच पाना। दूसरा टाइप होता है हेमरेजिक, मतलब कोई खून की नस फट जाना और ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाना। किन लोगों में स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा है? तो ये दो तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। एक होते हैं मॉडिफाइबल, जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। नॉन मॉडिफाइबल तो हो गया बढ़ती उम्र, एडवांसिंग एज, जैसे अबव द एज ऑफ 65 इयर्स, उनमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। दूसरा, मेल्स में कंपेयर टू फीमेल रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। और तीसरा, जिन लोगों में कोई जेनेटिक फैक्टर हो, कोई फैमिली स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें आ जाता है जैसे अनकंट्रोल्ड शुगर होना, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रहना, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, ओबेसिटी, मोटापा, कोई क्रॉनिक हार्ट की प्रॉब्लम्स होना। तो ये सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, जिन पे अगर काम किया जाए, जिसको कंट्रोल किया जाए, तो फ्यूचर में स्ट्रोक होने का रिस्क कम हो जाता है। तीसरा, फिर अगर हम बात करें सिम्टम्स की, कि स्ट्रोक के लक्षण क्या हैं, कि सिम्टम्स क्या हैं, तो इन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रोक के सिम्टम्स को बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है। इसका एक निमोनिक भी हम बोलते हैं, बी फास्ट। बी मतलब कि कोई बैलेंस में किसी तरह की प्रॉब्लम होना। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि जब भी ये सिम्टम्स स्ट्रोक के शुरू होते हैं, सिम्टम्स सडनली शुरू होते हैं, एकदम एक सेकंड पहले पेशेंट बिल्कुल ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सडनली दूसरे सेकंड आप देखोगे तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें सिम्टम्स में बी से, जैसे मैंने बताया, बैलेंस की सडनली प्रॉब्लम आ जाना। ई मतलब कोई आई रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाना, डबल डबल दिखना, धुंधला दिखना या विजन कम हो जाना। एफ से जैसे कि एक साइड की फेस की ड्रूपिंग हो जाना या एक तरफ फेस टेढ़ा हो जाना। फिर आता है ए। ए मतलब कोई आर्म या लेग की एक तरफ वीकनेस हो जाना, कमजोरी हो जाना। फिर आता है एस। एस मतलब कोई स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम होना, सडनली जबान का लड़खड़ाना या आवाज़ चले जाना, या पेशेंट को जो बोल रहे हैं उनको समझ में ना आना। एंड टी मतलब टाइम, यू शुड इमीडिएटली कॉल द एम्बुलेंस एंड रश टू द हॉस्पिटल। तो स्ट्रोक के केस में जैसे ही आप ये सिम्टम्स रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि विद एवरी सेकेंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स की डेथ होती है ब्रेन में, तो जैसे ही आप जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल जाओगे उतनी जल्दी पेशेंट का स्कैन हो पाएगा, चाहे वहाँ सीटी अवेलेबल है तो सीटी, एमआरआई अवेलेबल है तो एमआरआई, और उतनी जल्दी हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात आती है, तो अगर तो पेशेंट एक हम बोलते हैं गोल्डन आवर या गोल्डन विंडो पीरियड, कि मतलब अगर 4.5 घंटे के अंतर्गत अगर पेशेंट हॉस्पिटल आ जाता है, स्कैन हो जाता है और एक वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया में फिट होता है, तो हम पेशेंट को एक इंजेक्शन दे सकते हैं जिसे थ्रोम्बोलिटिक एजेंट बोलते हैं, या फिर जिसे क्लॉट बस्टर भी आप आम भाषा में बोल सकते हो। अगर वो सही टाइम पर सही कैंडिडेट को लगा दिया जाए तो सारे सिम्टम्स रिवर्स हो सकते हैं और पेशेंट की जो प्रलॉन्ग डिसेबिलिटी होने वाली थी उससे वो पेशेंट बच सकता है, और उससे फैमिली के ऊपर भी जो हेल्थ केयर बर्डन है वो भी बहुत कम हो जाता है। तो इन दी एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जैसे ही अगर आप ये सिम्टम्स देखें किसी भी पेशेंट में, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है और पेशेंट का स्कैन होना चाहिए, और अगर वो एक क्राइटेरिया में फिट होता है तो ये इंजेक्शन हम उसको दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो रिवर्स हो सकते हैं। थैंक यू।